इंदौर का, जहां बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का योग देखने को मिल रहा है और आरएपीटीसी मैदान में हो रहा है ये कार्यक्रम युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार। अलग अलग योग करने के बजाय केवल एक योग करने को कौन सा है, जोर से बताओ कौन सा है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे आसन लगभग कवर हो जाते हैं। आपको बता दें आरएपीटीसी मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के साथ सीएम शिवराज का योग। लेकिन आज तुम कह रहे हो कि मामा तो ट्रैक सूट में नहीं आए, सूट बूट में आए। मैं आज इसलिए कि 9:30 बजे से 84 के लोग आए अपने और वो सब निवेश करना चाहते और सब मुझसे मिलना चाहते, इसलिए यहाँ आपके बीच बात करके मैं उनसे मिलने से मिलूंगा, क्योंकि उनमें से कहीं को जाना है तो उनको टाइम जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। इसलिए योग का काम मैंने पहले कर लिया, लेकिन आप रोज सूर्य नमस्कार करें और एक बार और सप्त कर सूर्य नमस्कार प्राणायाम तो यहाँ आपको बता ही दिया है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को प्रसन्न रखेगा। और एक बात और, इंदौर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का योग देखने को मिला आरएपीटीसी मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दें युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार भी किया गया। तो तुम क्या बन जाओगे, जोर से बताओ क्या बन जाओगे, तो कमजोर हो कि मजबूत हो, कमजोर नहीं मजबूत। और याद रखना, दुनिया में बड़े काम हाथों की लकीरों से नहीं होते, माथे के पसीने से होते हैं। जो कोशिश करता है वो कर लेता है। इससे मेरे बेटा बेटियों, आप में से हरेक कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने का ठान लिया। अब देखो अपने इंदौर ने सोचा और कर लिया, क्या कर लिया, क्या क्या इंदौर ने सोचा, इंदौर ने ठाना कि हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा और इंदौर की जनता ने ठाना को और इंदौर चारों तरफ। लेकिन ढूंढ नहीं पाए, सोचा तो कर दिया, और जैसा शहर ने किया वैसा व्यक्ति खाने तो कर सकता। और इसलिए आज स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम आज बहने का संकल्प करो, उच्च जागृत प्राप्त बारे में बोलता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। मैं भी नहीं रुकने वाला और तुम भी मत रुको। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाना, मैं नहीं रुकूंगा। तुम तो नहीं रुकोगे, आइए मामा और भांजे भांजी मिलकर आगे बढ़े, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाए। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, स्वामी विवेकानंद जी की और मेरे भांजे भांजियों की। अब विदेशी निवेशक और देश के निवेशक भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, 9:30 बजे से मैंने उन्हें समय दिया है, इसलिए मामा को जाने की इजाजत है। सब बताओ जाने की इजाजत है,
आप अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसके मामलों को भी जाना पड़ेगा। आप जो करें मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वास्तव में प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जाना जरूरी नहीं होता, तो निश्चित तौर पर वे मामा अपने भांजे भांजियों के साथ योगदान में आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे भांजे भांजियों का उत्साह वर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने मन के भाव का जाओ बेटा आप लोग चले। Thank you.